हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग वर्कशीट ऑफ क्लास 5 साइंस। लेट अस सी वर्कशीट नंबर 9, स्केलेटल सिस्टम एंड फंक्शन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। चलो बोलो इम्पॉर्टेंस, पहले हेडिंग डालते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नंबर वन इट इज द सपोर्ट स्ट्रक्चर of our body. It is the support structure of our body. Number 2, it gives shape to our body. Number 3, it protects important internal organs of our body from injury. And number 4, most of the blood cells are produced inside bones. Okay, so this is the answer of our question. Write a short note on importance of the skeletal system. Kya hai dekho? Importance of skeletal system. Number 1, it is the सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम। नंबर 2, इट गिव्स शेप टू अवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो एक प्रॉपर शेप है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम। नंबर 3, इट प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम इंजुरी। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4, मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन्स। हमारे जो ब्लड सेल्स काय में बनते हैं? दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन। जो हमारे हैंड और लेग्स के बोन होते हैं ना, वो बोन्स के अंदर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारा ब्लड बनता है। सो दीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अभी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ योर कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, How do you think the skeletal system would protect you? अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपकी स्केलेटल सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर सकती है क्या? What do you think? Yes. If we got in an accident, our skeletal system would protect us. Why? Because our skeletal system is made up of very hard bones. Our skeletal system is made up of very hard bones and it protect all important and delicate internal organs. हमारे जितने भी important और delicate organs हैं वो सारे के सारे organs ये bony covering के क्या होते हैं? अंदर होते हैं। इसके वजह से ऊपर का ये हार्ड कवरिंग होने के वजह से एक्सीडेंट वगैरह में हमारा क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। ठीक है,
सो दिस वॉज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम फंक्शंस. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फिर से एक बार देखें. इफ योर कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, हाउ डू यू थिंक द स्केलेटल सिस्टम वुड प्रोटेक्ट यू? यस, इफ वी गॉट इन एन एक्सीडेंट आवर स्केलेटल सिस्टम वुड प्रोटेक्ट अस बिकॉज आवर स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरी हार्ड बोन्स एंड इट प्रोटेक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स इन अवर बॉडी ओके. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस लिखते हैं, वर्कबुक के अंदर लिख लो. अगर किसी के पास वर्कबुक नहीं है तो फिर वो अपने नोटबुक के अंदर लिख सकता है. सी नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम मिक्स्ड क्वेश्चन. अभी थोड़ा सा मिक्सिंग है यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स का. डू यू थिंक प्लांट्स ऑल्सो हैव ए स्केलेटल सिस्टम? एक्सप्लेन योर आंसर. प्लांट के बॉडी में भी स्केलेटल सिस्टम होती है क्या? प्लांट का जो स्केलेटल है वो हमारे स्केलेटल जैसे नहीं होता है. ठीक है ना, प्लांट्स डू नॉट हैव ए स्केलेटल सिस्टम लाइक अस. प्लांट डू नॉट हैव ए स्केलेटल सिस्टम लाइक अस बट इट हैज सम tissues which are made up of hard substance called cellulose. ये जो प्लांट की बॉडी होती है ना, ये हार्ड सब्सटेंस से बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. that help a plant टू स्टे इरेक्ट एंड सपोर्ट इट. उनको सपोर्ट करने के लिए सेल्यूलोज नाम का हार्ड सब्सटेंस उनके टिश्यू के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो प्लांट के हमारे जैसे स्केलेटल सिस्टम होती है क्या? बोन्स होते हैं क्या उनके बॉडी में? तो नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग जॉइंट इन विच मूविंग बोन रोटेट फ्रीली इनसाइड ए रिंग फॉर्म्ड बाय अनदर बोन. एक बोन की रिंग है और उसके अंदर दूसरा बोन मूव होता है. इस तरह के जॉइंट को कौन सा जॉइंट बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज पाइवोट जॉइंट. कौन सा जॉइंट? पाइवोट जॉइंट. नेक्स्ट इट कनेक्ट द हाइंड लिम टू द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज एंड बैकबोन. हाइंड लिम को बॉडी के रिब केज और बैकबोन से कनेक्ट करने वाला बोन कौन सा होता है? मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको. देखो, जो हाइंड लिम्स है ये आपके लेग्स, इसको बॉडी के सेंट्रल पार्ट से जोड़ने वाला ये वाला जॉइंट कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. काय में प्रेजेंट होता है? इस गर्डल का नाम क्या है? कनेक्शन मतलब गर्डल. ठीक है ना, तो ये है हिप गर्डल. कौन सा पार्ट है ये? सी, इट कनेक्ट द हाइंड लिम टू सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ रिबकेज एंड बैकबोन. वॉट इज इट इट इज हिप गर्डल. नेक्स्ट इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन. 33 स्मॉल बोन से कौन बना हुआ होता है, याद है आपको? यस, इट्स नेम इज वर्टिब्रल कॉलम. क्या नाम है इसका? वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 9. सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आंसर्स लिख लो सारे के सारे. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट इस पे. वर्कशीट नंबर 10 क्या है? मिक्स क्वेश्चंस. फिर से मिक्स क्वेश्चन देखने हैं स्केलेटल सिस्टम के. देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए में है ग्लाइडिंग जॉइंट, वर्टिब्री, फ्लोटिंग रिब्स, जॉइंट, स्कल, शोल्डर गर्डल. ठीक है, उसके बाद में लिम्स और लास्ट में है वन फंक्शन ऑफ बोन. क्या है? वन फंक्शन ऑफ बोन. मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसकी छोटी करती हूँ ताकि सारे ऑप्शंस अपने को देखने में मिले. ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें. ग्लाइडिंग जॉइंट, वर्टिब्री, फ्लोटिंग रिब्स, जॉइंट्स, स्कल, शोल्डर गर्डल, लिम्स और वन फंक्शन ऑफ बोन.
इधर के साइड में देखो क्या है, स्टोर मिनरल एंड फैट, स्टोर मिनरल एंड फैट्स। नंबर टू, आर्म्स एंड लेग्स दैट हेल्प इन मूवमेंट, आर्म्स एंड लेग्स दैट हेल्प इन मूवमेंट। तीसरा, कनेक्ट द अपर लिम्स टू द बैकबोन, अपर लिम्स मतलब हैंड्स, कनेक्ट अपर लिम्स टू द बैकबोन। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। नेक्स्ट, इट अलाउज स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करता है। 33 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म द बैकबोन, पेयर ऑफ रिब्स नॉट अटैच टू स्टर्नम एंड प्लेसेस बिटवीन बोन्स दैट अलाउ यूर बॉडी टू मूव। ठीक है, चलो देखो, तो पहला ग्लाइडिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइडिंग पॉइंट किसके साथ मैच होता है, चलो सोचो। ग्लाइडिंग पॉइंट, स्टोर मिनरल फैट, आर्म्स एंड लेग्स, कनेक्ट अपर पार्ट, स्केलेटल सिस्टम विच प्रोटेक्ट ब्रेन, अलाउ द स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन दो बोन्स, ये सीधा सीधा है। ग्लाइडिंग जॉइंट इज रिलेटेड विद ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, तो ये पहली पेयर आपकी ऐसी आएगी, ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स बिटवीन टू बोन्स। वर्टिब्री, सोचो वर्टिब्री का आंसर क्या होगा, क्या होगा, वर्टिब्री मीन्स दीज आर, सी 33 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म बैकबोन, बैकबोन जिससे बनता है वो 33 बोन में से एक बोन को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, वर्टिब्री बोलते हो। फोर फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट के दो रिब्स जो स्टर्नम को कनेक्ट नहीं होते उन्हें बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। तो इसका आंसर आएगा पेयर ऑफ रिब्स नॉट अटैच टू स्टर्नम। जॉइंट्स, joints means places between bones that allow your body to move, दो bones के बीच की जो जगह है जो आपकी body को movement perform करने में help करती है, that is called as joints। skull, skull मतलब क्या, skull मतलब that protect the brain, जो brain को protect करता है उसको बोलते हैं अपन skull। shoulder girdle upper limbs को connect करता है backbone से। limbs मतलब arms and legs, और वन फंक्शन ऑफ बोन इज स्टोरेज ऑफ फैट एंड मिनरल, ये भी फंक्शन है इसका, बोन क्या करते हैं फैट और मिनरल को स्टोर करते हैं। सो दिस इज अवर मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कर लो अपने नोटबुक में, किया, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट, you know that the skeletal system protect internal organs, do you know of anything else that is hard and protects something around you, aapke aaju baaju mein aisi koi cheez hai kya jo hard hai aur aapko aur kisi cheez ko protect karti hai, aapke surrounding mein aisi koi cheez bata sakte ho aap jo protection ka kaam karti hai, socho। Yes, I know that. क्या बोल सकते हैं अपन, the hard covering, on a coconut, protect the inner part, inner soft part of it, ये observe किया है अपने, आपने, yes, coconut के ऊपर का जो hard covering होता है वो उसके अंदर के soft part को protect करता है। second, आपको groundnut shell पता है, शेंगदाना, जो groundnut का ऊपर का shell होता है ना, SHELL shell, it protect groundnut सीड, ग्राउंडनट के सीड को, ग्राउंडनट का नट ऊपर का जो नट शेल है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस टू एग्जांपल्स वी कैन गिव, ओके, सो दिस वाज वर्कशीट नंबर 10, इट वाज क्वाइट इजी वन, है ना, इजी है ना, ओके, लेट अस मूव
टू द नेक्स्ट वर्कशीट, दैट इज वर्कशीट नंबर 10. देखते हैं तो क्या है. वर्कशीट नंबर 10 इज मस्क्यूलर सिस्टम, इट इज रिलेटेड विथ मस्क्यूलर सिस्टम. देखो तो मस्क्यूलर सिस्टम, फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्या है, मसल्स दैट वी कैनॉट कंट्रोल आर कॉल्ड, वॉट इज इट, मसल्स दैट वी कैनॉट कंट्रोल आर कॉल्ड इन वॉल्यूंटरी मसल्स. बराबर है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते दे आर कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स. वॉल्यूंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर डैश एंड डैश. वॉल्यूंटरी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स आर प्रेजेंट वेयर, सोचो, कहाँ पे होते हैं, यस दे आर प्रेजेंट इन अवर, कहाँ पे, आर्म्स एंड लेग्स. हमारे आर्म्स और लेग्स में वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डिफाइन वॉलंटरी मसल्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वॉलंटरी मसल्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इट. गिव वन एग्जांपल ऑफ इट कैसे बोल सकते हैं. वॉलंटरी मसल्स मीन्स वॉट, द मसल्स दैट वी कैन कंट्रोल. एक मिनट है, रुको एक मिनट. मसल्स दैट वी कैन कंट्रोल आर कॉल्ड, यहाँ पे मैंने गलती से इनवॉल्यूंटरी लिख दिया, रब करो उसको, कट करो, वॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं उसको. मसल्स दैट वी कैन कंट्रोल आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल्स. द मसल्स दैट वी कैन कंट्रोल आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल्स. Voluntary muscles, okay, they are attached, to the bone and help us in movement. Okay, so this is what voluntary muscle means. The muscles that we can control are called voluntary muscles. They are attached to the bone and help us in movement. ठीक है, example, muscles present in our arms and legs. Muscles present in our arms and legs are voluntary muscles. मसल्स प्रेजेंट इन अवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलंटरी मसल्स. ठीक है, सो दीज वेयर टू क्वेश्चंस. लिखो इसको नोटबुक के अंदर, पॉज करो वीडियो को और लिख लो. नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स. मसल्स दैट वी कैनॉट कंट्रोल आर कॉल्ड, अभी ये है इसका आंसर है वो, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं इन वॉलंटरी मसल्स. देर आर अबाउट दिस मच मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, लर्न चाहिए बेटा, ये कितने होते हैं मसल्स, 650 मसल्स. ठीक है, अवर हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स, कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स आर वेरी, क्या कार्डियक मसल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, वो कैसे होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग. कार्डियक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. स्मूथ मसल्स, 5 नंबर, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज वॉट. स्मूथ मसल का दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल को और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स. कौन से मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स. चलो फिल इन द ब्लैंक्स लिख लो सभी के सभी. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वुड हैपन इफ कार्डियक मसल टायर फास्ट. कार्डियक मसल अगर टायर्ड हो गए तो क्या होगा, इसके लिए पता होना चाहिए कि कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट.
तो पहले वो लिखते हैं कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट. कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट फुल स्टॉप. दे पंप ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट. दे पंप ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट. ओके इफ क्या इफ कार्डियक मसल्स आर टायर्ड फेल्ट टायर्ड फेल्ट नहीं लिख सकते. इफ कार्डियक मसल्स आर टायर्ड द हार्ट विल नॉट बी एबल टू वर्क कंटिन्यूअसली. अगर ये मसल्स थक गए तो हार्ट कंटिन्यूअस वर्क कर सकेगा क्या? इफ कार्डियक मसल्स आर टायर्ड द हार्ट विल नॉट बी एबल टू वर्क कंटिन्यूअसली एंड अवर बॉडी विल नॉट गेट सफिशियंट क्या बोल सकते हैं अपन उसको सफिशियंट हम ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हैं. सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स फास्ट. ओके सो अ पर्सन कैन डाई. पर्सन मर भी सकता है अगर उसके हार्ट के मसल्स टायर्ड हो गए तो. ठीक है सो ये थे वर्कशीट नंबर 11 के क्वेश्चंस. ठीक है पेज टर्न करके नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12 जो कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये तीन वर्कशीट्स आप कंप्लीट कर लो नोटबुक में और मुझे इसका क्या डालो फोटो डालो.